हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मनप्रीत कौर और आज है, क्या तारीख है आज? आज है 21 दिसंबर। अब ठंड बढ़ गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर दिन में घर के अंदर तो ठंडा रहता है पर बाहर बहुत कोजी रहता है, तो मैं जा रही हूँ इसी का फ़ायदा उठाने। तो अभी तो मैं जाऊँगी पहले सब्जी लेने के लिए, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको सेक्टर 4 में बहुत अच्छी वो लगती है पीठ, तो वहाँ से सब्जी लूँगी। उसके बाद टाइम लगेगा तो आपको एक नई जगह लेके जाऊंगी जहाँ मैं भी नहीं गई हूँ कभी। हाँ, मैंने बाहर से देखा है कि क्या मतलब एक टेम्पल है और मैं आज वहाँ जाने वाली हूँ और उसके बारे में आपको बताऊंगी भी और दर्शन भी करवाऊंगी, तो बने रहिएगा। चलो, मैंने थैले ले लिए हैं, जैकेट ले ली है क्योंकि आते हुए ठंड लगेगी। अभी तो बहुत कोजी हो रही है गाड़ी, मजा आ रहा है बैठ के, मन कर रहा है यहीं पे आराम कर लूँ, पर नहीं जाना भी है आगे। तो चलो, मैं आ गई हूँ सब्जी लेने के लिए और मैंने यहाँ लगा दी है गाड़ी। सॉरी, रेल भाभी का वेट करना है मुझे। तो दोस्तों, सब्जी ले ली है और भाभी ने मुझे पिक कर लिया है और हम जा रहे हैं जो मैंने बताया था ना वहीं पे, और आपको भी दिखाएंगे। हाँ, तो मजा आया कि तो हम लोग सेक्टर 4 से पीछे के रास्ते से ही जा रहे हैं जो कि राजानी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। हम लोग उस तरफ से नहीं जा रहे हैं जो BHL की अपनी सड़क है, हम लोग साइड पीछे की साइड से जा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है, हम सीधे वहीं पहुँच जाएंगे। तो आप दूसरी साइड देख रहे हैं रेलवे लाइन की गाड़ी है और ये रेलवे स्टेशन की तरफ होगी, तो ये साइड वाला रेलवे स्टेशन यहीं से जाती है साइड ट्रेन आगे। फिर हम लोग मुड़ेंगे कहाँ से, जहाँ से मनसा देवी वाला रास्ता एक जाता है और एक दूसरा जाता है ना, तो इस जगह को हम लोग यहाँ की हरिद्वार की राजपुर रोड बोलते हैं। एक तरफ है आपके राजाजी नेशनल पार्क, दूसरी साइड है इंडस्ट्रियल एरिया। बहुत ही मजेदार होता है और यहाँ पे ठंडा भी लगता है। अरे, आपके बाल लटक गए, मैं तो इसलिए आ रही हूँ, ठंड लग रही है यहाँ पे, अभी तो मजा आ रहा है। और भाभी एक मंदिर के बारे में बता रही है जो आपको नहीं बताया था, तो वहाँ पे भी लेके चलेंगे आपको, वो भी बहुत मान्यता है उस मंदिर की ना, वो पता नहीं कब लेके जाएंगे पर लेके जरूर चलेंगे आपको। रास्ता देखो जरा, पहुँच गए क्या हम? तो ये रास्ता अब जा रहा है बिल्केश्वर महादेव मंदिर की तरफ। तो ये आ गए हम बिल्केश्वर द्वार, तो ये आ गया है और मंदिर भी यही है। अच्छा, यहीं पे हो रहा है क्या कुछ? कुछ हो रहा है भाई आज तो यहाँ। तो ये है प्राचीन गौरी कुंड मंदिर जाने का। अच्छा, वहाँ पे हो रहा है कुछ, पहले यहाँ पे मंदिर था। तो हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ, प्राचीन गौरीकुंड द्वार है। तो अब हम जा रहे हैं प्राचीन गौरी कुंड की तरफ, यहाँ पे जो अभी हम लोग गए हैं बिल्केश्वर मंदिर पे, अभी जहाँ पे नंदी जी की मैंने वीडियो बनाई है उसके आगे ही है मंदिर, मैंने वहाँ अंदर का वीडियो नहीं बनाया है। और इस मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पे पार्वती जी ने शिव को वर के रूप में पाने के लिए ध्यान अवस्था में 3000 वर्ष लगाए थे। देखो, फेंसिंग हो रखी है यहाँ पे भी और उधर भी फेंसिंग हो रखी है क्योंकि इस तरफ आ जाते हैं जानवर, जंगली जानवर, तो ये बंद हो जाता है एरिया शाम को ही जल्दी, ऐसा भाभी बोल रही है, मुझे पता नहीं चलता। तो शिवजी जी ने वहाँ पे दर्शन दिए थे पार्वती जी को और उनको वरदान दिया था। तो ये है श्री गौरी कुंड माँ भगवती तपस्थली मंदिर। तो इस यहाँ पे बोला जाता है कि शायद से यहाँ पे पार्वती जी ने तपस्या करी थी।
जो गौरीकुंड मंदिर पे गए अभी हम लोग, वहाँ पे कुंड है और वहाँ पे लिखा गया है कि आपको सर ढक के ही रहना है, वरना किसी मंदिर में नहीं होता है कि आप अंदर जाओ तो सर ढक के जाओ, पर यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल है कि आपको सर ढक के ही जाना है। और वहाँ पे गौरीकुंड भी है जिसका जल हमने अभी ग्रहण किया है। अंदर वीडियो बनाना और फोटो खींचना मना था तो मैंने नहीं बनाया है, पर पता चल रहा था कि ये बहुत मतलब पुराना और बहुत प्राचीन मंदिर है, तो जरूर आइएगा आप लोग देखने। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इतने साल से यहाँ पे और मैंने आज देखा है मंदिर, सच में बहुत ही अच्छा और मेंटेन भी करा हुआ है काफी। तो गौरीकुंड से आ गए। देखो यहाँ पे ना लोगों ने बैलेंस बना रखे हैं, पर समझ नहीं आ रहा क्यों बना रखे हैं। बहुत जगह बना रखे हैं, हर जगह बैलेंस बने हुए हैं, रॉक बैलेंस। इसकी स्टोरी नहीं पता, पर तो बाबा जी से पूछा मैंने कि रॉक बैलेंस क्यों बना रखे हैं लोगों ने, तो बाबा ने बताया कि लोग यहाँ पर अपने कच्चे घर बना के जाते हैं और जब उनके घर बन जाते हैं तो वो इनको तोड़ते हैं और फिर यहाँ पे भंडारा करवाते हैं, तो लोगों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है अपने घरों को बनाने की। अब हम जा रहे हैं हल्की पौड़ी की तरफ, पर हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे क्योंकि मुझे जिम भी जाना है, इसलिए हम लोग बस हम पे टाइम है जो एक घंटा उसमें यूटिलाइज करेंगे, कुछ खाएंगे और कुछ घुमाएंगे आपको। तो हम पहुंच गए हैं हल्की पौड़ी। भाभी को देखो स्कूटी लेके पहुंच गए हैं। कहाँ लगाओगे? अरे वाह, ये फायदा है स्कूटी का। मैं नहीं बताऊँ सामने। ओ भाई साहब, लड़ाई हो रही है, लड़ाई दो हाथ में ला लिया रे मैंने, तो अभी तो लड़ाई रही हो रही थी। फनी लग रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हम यहाँ हर की पौड़ी आपको दर्शन करवाने के लिए स्पेशली। तो ये देखिए आप, अब हो गया साफ वैसे पानी ना, बिल्कुल गंगा जी बिल्कुल साफ हो रखी है। तो हम लोग आ गए हैं, कहाँ जाना है बताओ? हल्की पौड़ी। हल्की पौड़ी तो आ गए, स्नान करने। सच्ची बताओ है हिम्मत? इतनी ठंड में बड़ी हिम्मत है यार लोगों में नहाने की इतनी ठंड में। तो भाई गिर मत जाना तुम। वैसे बहुत कम लोग नहा रहे हैं ऐसा ना, वहां नहा रहे हैं उधर कर रहे हैं स्नान। देख के ठंडा लग रहा उनको तो। ये देखो आप शिव मूर्ति का पीछे का साइड, बैक साइड, धूप में चमकते हुए शिव जी। पर आज बहुत अच्छा हो रहा है मौसम ना, ठंडा घर फिर से खराब हो गया लग रहा। अब बज रहे हैं घंटियां, तो आरती की तैयारियां शुरू हो गई है। लोग बैठ गए अपनी सीटों को घेर के, हम लोग पता नहीं कब बैठेंगे यहाँ पे, मौका ही नहीं मिलता। हम सोचते हैं अगली बार आएंगे, अगली बार करते करते पता नहीं कब आएंगे। आएंगे जरूर, आएंगे जरूर, आएंगे। हर की पौड़ी आए तो यहाँ जरूर खाएं मोहन जी की पूरी वाले, अगर यहाँ जगह ना मिले तो मथुरा वाले पे भी खा सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलो हमारी सवारी तैयार है, चलो आज नई जगह टिक्की खाते हैं। फेमस ऑफ हरिद्वार। गोलगप्पे खाने का दिल था, भाभी का टिक्की खाने का दिल था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या एक प्लेट ले लेते। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है तो ध्यान रखना। और दिल की शेप की टिक्कियाँ आए हैं, राजकुमार लग रही है यहाँ पर चित्रा में। पहले हम आए थे कभी, मुझे नहीं लगता मैं नहीं आई हूँ। पहला है ना हरिद्वार का सबसे पहला टिक्की हमारी जो हम खाने वाले हैं अभी। हमने टिक्की खा ली है और सब घूम लिया अपने हर की पौड़ी भी, और अब हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 4 की तरफ जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी है। बस खड़ी हो वहाँ। देखो हम कहाँ घुस गए हैं, अब हर की पौड़ी के बाद हम कहाँ घुस गए हैं। ओ माँ, मेरे पैर तो नहीं रगड़ जाएंगे ना? ओ गॉड, डर लग रहा है मुझे। है जगह, देखो क्या बढ़िया आ रखा है सामान। पालक देखो, अमरूद देखो क्या बढ़िया आ रखे हैं, बहुत बढ़िया सामान आ रखा है। ले लो 50 रुपए के मैंने अमरूद लिए, आधा किलो नहीं 1 किलो, और पालक लिए 15 रुपए की। तो ये हो रहा है रेट हरिद्वार में। कृपया गाड़ी ना खड़ी करें, तभी तो हम गाड़ी में घूम रहे हैं।
मैंने कहा था ना यहाँ पे सब मिलते हैं, जूते भी चप्पल भी। ओ भाई साहब देखो कोट भी मिल रहे हैं 400 रुपए की। मैं यहाँ निकलना था तो हम आए, सड़क से नहीं आए हम लोग, पीठ से आए। तो दोस्तों मैं घर पहुँच गई हूँ, मंदिर हर की पौड़ी, बिल्केश्वर मंदिर कहाँ मतलब क्या है सब देख लिया हमने। मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतने सालों से यहाँ पे और मैं आज तक नहीं गई बिल्केश्वर मंदिर। वहाँ पे पार्वती जी ने तपस्या करी थी शिव को अपना वर मतलब बनाने के लिए, अपने पति के रूप में उनके कि मतलब वो मेरे वो बने, उसका वरदान पाने के लिए उन्होंने 3000 वर्ष की तपस्या करी थी। माय गॉड, मतलब बहुत मतलब सोच के ही लग रहा था कि यार मतलब हम कहाँ रहते हैं, मतलब कि हरिद्वार में, इसीलिए बोलते हैं देवों की नगरी है ये हरिद्वार। मतलब कुल आश्चर्य सा हो गया था कि यार वहाँ, अब वहाँ पे नीम का पेड़ है जहाँ पे पार्वती जी ने तपस्या करी थी। पता नहीं क्या बिल वृक्ष था करके, उसी के नाम पे बिल्केश्वर मंदिर बना है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, अब मुझे होना है रेडी, क्योंकि कहाँ जाने के लिए रेडी होना है, जिम जाने के लिए, ऐसे थोड़ी जाऊँगी जिम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो जाके फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।